नमस्कार, ईटीवी भारत डिजिटल डायलॉग को आपनको स्वागत। आज आम सह अच्छा राज्य इलेक्ट्रॉनिक आईटी क्रीड़ा और युवा व्यापार मंत्री तुषारकांति बेहरा। तुषारकांति बाबू आपनको आम कार्यक्रम को स्वागत। नमस्कार तुषारकांति बाबू, गोटे जिनस आपको देखने लगे आप आईआईटीएन थे भल चाकरी करूँ से सब छाड़ी राजनीति जो गोटे रिस्क टेकिंग फिल्ड से कहीं आसा मन बड़े देखु जो जॉब करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर हिसाब से सेतबेले मोर जो कार्य लिमिटेड फील्ड रे थिला मो प्रथमे जो बीपीयूटी रे पिला माननकु पढ़ाऊ से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रे पढ़ाऊ एवं तापर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ए सब्जेक्ट रे पढ़ेली पिला माननकु करियर काउंसलिंग रे हेल्प करूँ मध्य केतोटी फील्ड रे मोर कार्यक्रम सीमित थिला किंतु राजनीति रे जेतेबेले आमे आसु लोक मान सहित आमर डायरेक्ट संपर्क करा जाए लोक मान सहित गोटे भावगत संपर्क बढ़े तांकर जहाँ मौलिक समस्या से फील्ड रो सीमा ही नहीं आपण देखंतु जेमिति कि एग्रीकल्चर टू आरंभ करी एजुकेशन आपण ड्रिंकिंग वाटर रोड ए सब सब जिनसर हेल्थ आपणकर सब फील्ड रे लोकंकर जहाँ छोट मोट समस्या अछि से समस्या समाधान करिया सहित लोक मान सुख दुख रे जड़ित होवार सुजोग मिले जोटा गोटे बड़ अपॉर्चुनिटी एवं लोक गोटे सेल्फ सैटिस्फैक्शन से गोटे मिले तेणु राजनीति फील्ड को मुझे बेटर बोली चूज कर। आ गोटे कथा है जे आपण गोटे मिडिल क्लास फैमिली आसी किंतु आपणकर गोटे निजे निज प्रतिभा देखते भल स्कॉलर स्टूडेंट थे जितेबाला ये रिस्कटा ने परिवार बापा माँ किसी कहले नहीं आप प्रथमे तो बापा माँ विरोध करते किंतु मुतबे लोक मान सेवे अलरेडी थी 4-5 वर्ष धरी तेणु घरे आ बे विरोध रही धीरे धीरे से मैंने सपोर्ट कले। गोटे कथा हूँ MLA हवा जो विधायक किंतु MLA मंत्री दीटा जाक हवा आप फर्स्ट टाइम MLA हेले फर्स्ट टाइम मंत्री हेले यहाँ आपण केस गोटे रिवार्ड ना ये आप गए लक थी आप भाई दीटा जाक लक थी कह टिकेट मिलता मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक क्वालिफिकेशन देखी जोटा देखा रिवार्ड बोली कह आज्ञा मंत्री हेले साधारण तो गोटे कथा कहा जाए जे पावर आसे आपण युवक अभिज्ञ आपण गोटे स्वतंत्र प्रतिभार अधिकारी अच्छा जो पावर क्षमतार संज्ञा आपण केमी देखते मु क्षमतार संज्ञाटा यहाँ देखे लोक मानू कौन भी फिल्ड रे कौन भी समय रे आम जी सुविधा सुविधा सुजोग करे समस्या समाधान करे तो से पावरटा गोटे मैंने बेटर वे रे यूटिलाइज हो भावे पावर करप्ट कै लोक एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली कह तेणु से क्षेत्र में आमको बालान्स कर विभिन्न कार्य करा पड़े नचे बेले बेले जन व्यक्तिर स्खलन कारण हो पाए जितेबाला आपण को दिगला मंत्री पद दिगला इलेक्ट्रोनिक आईटी विभाग दिगला सेत गोटे चर्चा आसला जे जे टेक्नोक्राट जे आईआईटीएन को मुख्यमंत्री बाछी गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग दौरान तेणु जो आस्पिरेसन लोक मिला विगत 1.5 वर्ष आप विभाग में कार्य कले क्यों क्यों कार्य कर देखो सबुठ बड़ अचिवमेंट हिसाब से मुझे भावी आईटी डिपार्टमेंट जहाँ आम कर डिपार्टमेंट जोड़ा सब सर्विसेस आम इ गवर्नेंस सर्विसेस जोटा लोक मानते पहुँचाप सब मान्यवर मुख्यमंत्री रही निर्देश जे सिटीजन सेंट्रिक हवा दरकार गवर्नमेंट तेना तार जो डिजिटल प्रोसेस आम डिजिटाइज करूँ विभिन्न डिपार्टमेंट जो कार्यक्रम को आम हाथ को नहीं आईटी डिपार्टमेंट तरफ सुरखुरे संपादन करूँ विशेषकर गाँव गुड़िक जो डिजिटलाइज करने नेटवर्क आमर भारत नेट प्रोग्राम रे सब पंचायत को आम इंटरनेट सेवा जोगाइ देवार व्यवस्था करूँ वर्तमान सुधा आमर 16 गोटी जिला सरी जाइए और किसी जिला आम बहुत जल्दी ताको कंप्लीट कर प्लान करूँ। आ गोटे कथा कही रखे आईटी रो इकोसिस्टम ओडिशा जोटा थिला तार व्यापक परिवर्तन होइछि किंतु आहुरी गोटे चैलेंजेस अच्छी इकोसिस्टम को कंप्लीटली ट्रांसफर्म करने तेणु से जो टेक्नोक्राट्स ओडिशार बाहर जे एस्टाब्लीश होती से सहयोग अच्छी जो मैंने आडभाइजर अच्छा सहयोग आवश्यकता अच्छी बड़ बड़ कंपनी जो थे आम ओडिया पे जाब्लीश हो सारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किंबा सीईओ ये लेवल जो मैंने सहयोग आवश्यकता अच्छी आम राज्य सरकार तरफ जो हैंड होल्डिंग आम दुईजन भितर जो नेटवर्किंग तार आवश्यकता अच्छी। आपण गोटे कथा कहले जे आम गोटे भल इकोसिस्टम तैयारी करने चाहूँ
गोटे टाइम थी जितेबाला ओडिशा आई टी इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में आई टी क्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया रे 5 नंबर 6 नंबर स्थान रे थिला से टाइम रे पुणे पुणे समस्ते ओडिशा तल को थिले किंतु एबे गोटे समय आसलेनी से माने बहुत आगे बढ़ीगलेनी आमे पछरे अछु केबे आपण चिंता करछन्ती जे इकोसिस्टम भितरे राज्यरु बड़ बड़ आई टी कंपनी बाहर कथा से दिगरे सरकार चेष्टा करिवा कथा से दिगरे उद्यम करिवा कथा सेमती किछि आपण उद्यम करूछन्ती कि जेमती होम ग्रोन आई टी कंपनी ओडिशारु बाहरी परिबे देखंतु होम ग्रोन आई टी कंपनीज को सबुठ बड़ चैलेंजेस होला राज्य सरकार तरफ आमर जहाँ सरकार स्तर में आई टी प्रोजेक्ट चली से किसी कम मिलवा कथा जो आई टी पॉलिसी रो चेंजेस रो बहुत आवश्यकता थिला एवं ताकु मध्ये आमे चेंज करिचु एवं आगामी दिन में आम चाहूँ जो छोट छोट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी गुड़ा जो पे बर्तमान जस्ट कॉलेज रु पास आउट होगापर जो कंपनी एस्टाब्लीश कर सरकार तरफ किसी काम मिले से निश्चय भाव में कृतकार्य हे सफलत आउ गोटे जिनस है जितेबले कंपनी गुड़िक कौन काम नौकरत आम भिसाभिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अच्छे आम तुलना करवा से ही कार्य डेलीवर करवा आवश्यक तेणु ये दुटा भितर बालान्स रखी आम निश्चित भाव में आम होम ग्रोन कंपनी गुड़क आगामी दिन में आम प्रमोट कराइबू और आम जहाँ किसी कार्य द्वारा करेंगे आम चाहूँ स्टार्टअप कंपनी मानक गोटे बड़ दाबी रही कि आमको सरकार सब्सिडी दौरान बट टाइम सब्सिडी रिलीज हो ना से दाबी करमको गोटे फ्लाट रेट दि जाऊ जो जहाद्वारा कि आम पे करूँ आम आराम से रहीपरू आम अधिका पे करूँ कि सब्सिडी टाइम मिलूना यह सब प्रति आप दृष्टि देवे कि आपाय किसी असुविधा थी जेहेतु फाइनेंशियल कंस्टेंटा आमर फाइनेंस डिपार्टमेंटर क्लीयरेंस पर आई टी डिपार्टमेंट ताको दिए तेणु ये सब जिन गुड़ा आगामी दिन धीरे धीरे हासिल फ्री एवं आउ जेहेतु धीरे धीरे पेपरलेस काम हो डिजिटली से जिनस आम आगामी दिन में बहुत सरलीकरण करदेव मोर आशा आज्ञा आपण हाथ में गोटे बड़ विभाग रही क्रीड़ा और जुव व्यापार हॉकी क्षेत्र में गोटे सरकार गोटे गोटे विप्लव आने चाहते हॉकी वर्ल्ड कप कले बीपीयूटी परिसर में सबुठ बड़ हॉकी स्टेडियम तैयारी सरकार उद्यम आरंभ कर बैडमिंटन आप गोटे उद्यम आरंभ करमी प्रतिष्ठा कर क्रीड़ा क्षेत्र में आपणकर कौन रही एक्चुअली गोल सरकार सेट करवाई चाहते ओडिशा को कौटी क्रीड़ा क्षेत्र में आपत उपस्थापित करने चाहते देखो आमर प्रिय मुख्यमंत्री माननीय सुधा नवीन पट्टनायक गोटे विजनरी स्टेटमेंट स्पोर्ट्स फॉर यूथ यूथ फॉर फ्यूचर ये स्टेटमेंट को साकार करने ओडिशा रे जो क्रीड़ाविद क्रीड़ा संगठक क्रीड़ा प्रेमी समस्त गोटे खुशी कथा जे आगामी 2023 रे हॉकी वर्ल्ड कप आम केवल भुवनेश्वर नुहे राउरकेला अनुषित हो तेणु हॉकी रो जहाँ आम सुंदरगढ़ कहुए एंतुड़ीशाला से सुंदरगढ़ सबूजाक ब्लॉक हेडक्वार्टर आम गोटे गोटे जो स्टेडियम करूँ हॉकी स्टेडियम ता आस्ट्रोटर्फ इंस्टॉलेशन हम एवं राउरकेला बीपीठे आम सबुठ बड़ हॉकी स्टेडियम हम विश्व सब बड़ हॉकी स्टेडियम जहाँकि 20,000 कैपेसीटी अधिक हम केवल एतिक नुहे आम जहाँ आप पचार हाई परफॉर्मेंस सेंटर बैडमिंटन हो स्विमिंग हो एथलेटिक्स आ फुटबॉल ए सब कॉर्पोरेट टाइप रही कोचिंग टू आरंभ करी सेमती जो एलिट क्लास प्लेयर बाहर केवल जे आम ऑर्गेनाइज करके इवेंट ऑर्गेनाइज करके केवल भारतवर्ष बड़ हबु ता नुहे आम ओडिशार खेलाड़ी माने ओडिशा एवं भारतवर्ष बाहर जाई इवन ओलंपिक लेवल से माने मध्य आम ओडिशा पई मेडल जीती भारतवर्ष पई मेडल जीती आम ओडिशा पई गर्व गौरव सम्मान साउटेणतु या रहइबो आमर इच्छा एवं अभिलाष आ विशेष कर ग्रास रूट टू जत आम स्काउटिंग होची तांकु आम हॉस्टल रखी ट्रेनिंग दौचु कोचिंग दौर जो मैंने नेशनल लेवल कि ओलंपिक लेवल जो परफॉर्म कर रही पाखे प्रतिभा रही है से पिला स्काउट कर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग दौचु जहाँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेला मैंने आगामी दिन में ओडिशा को ओडिशापी से मेडल जीतिक आनीपर गोटे कथा देखा जे सरकार उद्यम करूँ कि इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट कला भाया जो खेला हॉकी की छाड़ देले किसी स्पिनस्टर जमती दुतीचांद पृथ्वीचांद को छाड़े आशेष कहीं खेला बाहरी पार ना सरकार का एत उद्यम सत्वे इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कला सत्वे कहीं हो पार नहीं कि आप आनालीस कर कहीं देखो ओडापी मेडाल जितवा गोटे रात घटना नुहे गोटे कंटिन्यूस प्रोसेस
ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଲି ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର, ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଏବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ମିନିମମ୍ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ under 12 under 13 ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କାଉଟ୍ କରି ଆଣୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁ ସେମାନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ କିଭଳି ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ ମହିଳା ଟିମ୍ରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ହକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଚେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ଚେସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେଣି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିବେ। ଏସବୁ ତ ଖେଳ କଥା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା, ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ କଥା କହୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାନନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ, ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ଗେମ୍, ସେଇ ଗେମ୍ରେ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ କିଛି ଖେଳାଳି ବାହାରୁଥିଲେ, ଓ ସିଏ ରହିଛି ଆମେ ଏତେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଲବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିଲା ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖେଳିଲା ଭଳି କ୍ରିକେଟିୟର ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର ବଡ଼ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଏଭଳି କ୍ରିକେଟର୍ମାନେ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆମର ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍କାଉଟିଂ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ୍ରିକେଟରେ ଯେଉଁଟା ଓସିଏ କରୁଛି, ସେ ସ୍କାଉଟିଂଟାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଯଦି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂଟା ସେ ମେଥଡ଼ରେ ହେବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଗ୍ରୋ କଲାଣି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଚିପ୍ ଲଗାଇ ତାଙ୍କର 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆନାଲାଇଜ୍ କରାହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ପ୍ଲେୟାର୍ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଆନାଲାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସହିତ ମିଶାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ଲେୟାର୍ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଖେଳିବାକୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଓସିଏ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ସେଠି ଚାଲୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ଗେମ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଭା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ କି? ଓସିଏ ଉପରେ କିଛି ଓସିଏକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯିବ କି? ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଚାପ ରହିବ କି? ଆମେ ଓସିଏ ଯଦିଓ ସିଲେକ୍ଟ କରେ, ଓସିଏ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖେଳାଳିମାନେ କିପରି ଯାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଓସିଏ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ ସେଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟ୍ ଯଦି ହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ଇଭେନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କରିଥିଲା, ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଯେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟ୍, ବଡ଼ ୱାର୍ ହେବ ଯଦି ସାଇବର ୱାର୍ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଟିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହେଉଛି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇ ସେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଟିମ୍ ଯେଉଁଭଳି କାମ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରପର୍ଲି କାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ITମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଯେଉଁ ଦରକାର ଅଛି, ତାକୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦରକାର ଅଛି, ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ସୂଚନା ଦେବେ? ଯଦିଓ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିମ୍ବା ତା'ର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ସବୁ ଯାହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ତା'ର ରିଡ୍ରେସାଲ୍ ସେଇଟା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ରହୁଛି ITଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଏବେ ITସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲିଟେରେସିଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଆୱାର୍ ନୁହନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଥ୍ରେଟ୍ ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ରେ ଆସୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଥ୍ରେଟ୍ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ରେ ଥ୍ରେଟ୍ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଟରେଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଥ୍ରେଟ୍ଟା ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଜର୍ସ, ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଥ୍ରେଟ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ସେ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲିଟେରେସି ଆଉ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯଦି କରାଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ
होम डिपार्टमेंट को जहाँ आवश्यकता रही साइबर सिक्योरिटी एवं यह चैलेंजेस को रिड्रेस करने निश्चित भाव में आम जहाँ आई टी सपोर्ट आम जगैदेबू और आगामी दिन में मोर ये मत रो मैंने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अच्छा आई टी डिपार्टमेंट और आई टी डिपार्टमेंट बाहर प्राइवेट विभिन्न नेटवर्क विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा साज्य होम डिपार्टमेंट ना आवश्यकता अच्छी जहाँफर साइबर सिक्योरिटी को आम निश्चित भाव कम कर मंत्री हेले विधायक हेले मंत्री हेले दुटाक आपणकर विभिन्न कार्यक्रम बिजि रोचान आप विधानसभा निर्वाचन मंडली जोटा रही है काकटपुर काकटपुर के समय दे पड़ते आँ कौन से कम कले जहाँ आपरि यहाँ मोर रिपोर्ट कार्ड मु तो राज्य सरकार मंत्री हिसाब से रिपोर्ट कार्ड उपस्थापित करुच्ची विधायक हिसाब से मुझा कम अंचलवासी देखु अंचल आमर अस्तर काकटपुर अंचल देवी नदी कूल अवस्थित प्राची नदी काद नदी तीन टी नदी जो एम्बैंकमेंट सिस्टम ताकू भितर स्ट्रेंथन कराई विशेषकर जो पानी जल जोगाण व्यवस्था आम अस्तर ब्लक सतटटी पंचायत पानी जल जोगाण एवं असुविधा अच्छी जोटा कि गोटे बहुत बड़ चैलेंज मोपाई आतर बर्तमान राज्य सरकार आड्रेस कर गोटे मेगा प्रोजेक्ट हाँ को जाऊँ से पानी जल जो समस्या समाधान करने विशेषकर एवं मात्र सप्ताह भितर गोटे शिलान्यास हो मेगा प्रोजेक्ट तार कार्यक्रम रही आमर निमापड़ अस्तरंग काकटपुर कोणार्क ए दुईटी जो रोड यहाँ बहुत दिन गोटे पेंडिंग कम थी जोटा कि कम स्टार्ट बहुत जल्दी से कम सर गोटे स्टेट हाईवे गोटे पार्ट जोटा कि रास्तार प्रशस्तीकरण ये कमटा गोटे बहुत बड़ अचिवमेंट बोली भावी एवं आगामी दिन में माँ मंगला मंदिर आम अधिष्ठात्री देवी काकटपुर माँ मंगला मंदिर जो पारिपार्श्विक उन्नतिकरण और देउलीमठ उन्नतिकरण से कार्यक्रम हाथ को निया बहुत जल्दी शेष हो चंद्रभागा कोणार्क एवं जाहनेपुर ये दुईटी जगार जो आमर रही समुद्र बेलाभूमि से निश्चय सौंदर्यीकरण हो टूरीजम जो आक्टिविट बहुत बहुत भाव में बढ़ा जाफल आमर कोणार्क गोटे विश्व प्रसिद्ध अर्क क्षेत्र भाव में अभिहित सेठी आमर गोटे रेवेन्यू जो लोक मान रोजगार व्यवस्था बढ़ सहित अस्तरंग जो टूरीजम आक्टिविट से विशेष भाव में बढ़ आशा करुँ तुषारकांति बेहरा ड्रीम कौन आसपिरेसन कौन रही मोर निजर व्यक्तिगत भाव ड्रीम रही काकटपुर निर्वाचन मंडली रे जो लोक मैंने अच्छा आमर धान पान मिनर अंचल बोली कहुए तीन टी जाक क्षेत्र में जो मान लाइवलीहुड डिपेंड करुँचर किसी असुविधा न रो सब जिन स्मूथली हो चाष में जमी आप एग्रीकल्चर प्रोब्लेम सल्व हो आवश्यक आम केनाल जोटा टेल एंड पा आसुनी एवं पान क्षेत्र में आम जदिओ मार्केट रेगुलाइजेशन करूँ तार आहरी आवश्यकता रही जहाँफल ग्रासरूट जो पान बरजे जो लोकटी पान चाष करुँच सी किपर तार अधिक पैसा जो लाभ लाभांशा ता हाथ को जवा दरकार जो मैंने मत्स्यचाषी मैंने अच्छा अस्तरंग ब्लक बेसी मत्स्यचाषी अच्छा जो असुविधा रही धीरे धीरे माछ कमीगली से जो बोटिंग टू आरंभ कर तार जेटी सब्सिडी विभिन्न प्रकार जो सरकार लोन देवा व्यवस्था करते सब जिन किपर स्मूथली पहुँची पार एवं विशेषकर लोक मैंने गोटे शांति मैत्री और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करेंगे और लाइवलीहुड इकोनोमिक आक्टिविट जो अर्थनैतिक व्यवस्था किपर सुदृढ़ीकरण करा मोर व्यक्तिगत भाव में मोर स्वप्न रही है काकटपुर आसपाई और मिनिस्ट्री हिसाब से आई टी डिपार्टमेंटर मोर गोटे सिंगल एजेंडा बर्तमान अच्छी ओडिशा ईस्टर्न इंडिया गोटे आई टी हब हिसाब से परिगणित हो बड़ कंपानी किसी जमी बर्तमान इनफोसिस टीसीएस माइंडट्री एवं टेक महिंद्रा ये कंपनी जो मैंने अलरेडी ओडिशा अच्छा से भाई आउ किसी कंपनी आसे आमर जो युवपीढ़ी बांगलोर पुणे हैदराबाद रे जाई एस्टाब्लीश होती से माने निश्चित भाव में ओडिशा रहिबे एवं आगामी दिन में ओडिशार अर्थनैतिक अवस्था सुधरब राज्य युवपीढ़ी आप गोटे यूथ आइकन हिसाब से मानती किसी मेसेज अच्छे आप गोटे मोर मेसेज रे युवपीढ़ी धैर्यरा हूँ ना निश्चित भाव जब धैर्य धरवे और अध्यवसायी हे केवल ओडिशा को भारतवर्ष न भारतवर्ष बाहर निश्चित भाव में गोटे एक नंबर भाव में परिगणित राज्य करें से समस्त सहयोग आवश्यकता अच्छी से माने निजर कौन सी फिल्ड में कम करूँ ना कहीं निश्चित भाव में सफलतार श्रेय तक ही जी से धर्ज कम करेंगे धन्यवाद तुषार गांधी बाबू आम सह थे राज्य इलेक्ट्रोनिक आई टी क्रीड़ा और युव व्यापार मंत्री तुषार गांधी बेहरा से जहाँ कहले ये तांको निज अंचलर विकास सबुठ बड़ प्रायोरिटी एवं ओडिशा को किभली ईस्टर्न इंडिया रे
आईटी गोटे बड़ हब बनवा से ही दिगरे उद्यम सबुबले जारी रहिबो। युवपीढ़ी मानक से कहिले गोटे भल मेसेज दे आपण परिश्रम करूँ सफलता आपन को निश्चित मिलिबो एवं धैर्य धरतु। धन्यवाद सर।